जय हिंद एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एमपीपीएससी 2023 के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में करंट अफेयर को और भी शानदार ढंग से धारदार करने के लिए करंट अफेयर की लगातार शानदार सीरीज आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर चल रही है, और उसी करंट अफेयर की सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है महत्वपूर्ण निधन। दिसंबर 2022 से लेकर अभी तक 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेथ्स हैं उनको हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, आकार आईएएस के प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए हाइब्रिड मोड पर भी जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा एमपीपीएससी 2023 के लिए, इसके अलावा मेंस की जो 2022 की जो टेस्ट सीरीज है आकार आईएएस के प्लेटफॉर्म पर लगातार चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाया किए हुए आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मार्टी अहिसारी पास अवे रिसेंटली, ही वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मार्टी अहिसारी का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन है मेरे साथ लगातार रीड करते हुए चलना है और फैक्ट को लगातार मेरे साथ रिकॉल करते हुए चलना है। ऐसे करने से लगभग सारे फैक्ट्स आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। यहां पे आप लोग न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं, फॉर्मर फिनिश यानी फिनलैंड प्रेसिडेंट मार्टी अहिसारी नॉन पीस ब्रोकर डाइस एट 86। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिनिश प्रेसिडेंट थे, फिनलैंड प्रेसिडेंट थे। तो सही आंसर है यहां पे हमारा डी, फिनलैंड। तारीख है 16 अक्टूबर 2023 को जब फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहिसारी का निधन हुआ है। मार्टी अहिसारी हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें साल 2008 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट मार्टी अहिसारी कौन है, तो ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। इन्हें हम इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख रहे हैं क्योंकि इस 2008 के नोबेल पीस लॉरिएट हैं। क्लियर होगी इतनी बातें, तो एक बार फिर मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मार्टी अहिसारी का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। आंसर हो जाएगा फिनलैंड। बढ़े हम लोग अगले सवाल की तरफ, 16 अक्टूबर 2023 को हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करते हुए चलना है। पीवी गंगाधरन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। पीवी गंगाधरन का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। यहां पे आप देख सकते हैं, नोटेड मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर पीवी गंगाधरन पास्ड अवे, बड़े फेमस फिल्म प्रोड्यूसर थे मलयालम की। तो इसका सही आंसर क्या है, इनका संबंध है फिल्म से। 13 अक्टूबर 2023 को यानी रिसेंटली इनका डेथ हुआ है। ये प्रसिद्ध मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर थे और सिनेमा जगत में इन्हें पीवीजी के नाम से जाना जा सकता था। तो पीवी गंगाधरन तो प्यार से नहीं पीवीजी कहते थे। क्लियर होगी इतनी बातें। तो पहला सवाल हम लोगों ने कौन सा देखा, मार्टी अहिसारी फिनलैंड के राष्ट्रपति थे, 16 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हुआ, 2008 के नोबेल पीस लॉरिएट थे। पीवी गंगाधरन मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर थे, सिनेमा जगत में इन्हें पीवीजी के नाम से जाना जाता था। तो दो यहां पे हमारे सवाल हो चुके हैं, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथ आप सभी को क्वेश्चन रीड करना है, अश्विन दानी हैज पासेस अवे रिसेंटली, ही वाज को फाउंडर ऑफ विच कंपनी। अश्विन दानी का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस कंपनी के सह संस्थापक थे। टाटा ग्रुप, एशियन पेंट्स, इंफोसिस या टीसीएस। यहां पे आप न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं, अश्विन दानी द लाइफ एंड लीजेसी ऑफ द मैन बिहाइंड एशियन पेंट सक्सेस। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अश्विन दानी है वो एशियन पेंट के को फाउंडर रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एशियन पेंट। हाल ही में 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हुआ है। तो तीन हम लोगों ने कवर कर लिए क्वेश्चन, यहां पे हम लोगों ने कवर किया, एक बार फिर मेरे साथ देखिएगा, अश्विन दानी हाल ही में इनका सितंबर 2023 में निधन हुआ है, एशियन पेंट्स के को-फाउंडर हैं, पीवी गंगाधरन मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर थे, मार्टी अहिसारी फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे, साल 2008 में नोबेल पीस प्राइज जो है इनको दिया गया था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ग्रेट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट ऑफ इंडिया पास अवे ऑन 28 सितंबर ऑफ 2023। भारत के किस महान कृषि विशेषज्ञ का निधन 28 सितंबर 2023 में हुआ है। आप सभी को पता है, ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बॉलॉक, सैम पित्रोदा और वर्गीस कुरियन। यहां पे न्यूज कटिंग देख सकते हैं, एम एस स्वामीनाथन एमिनेंट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट पासेस अवे। तारीख है 28 सितंबर 2023
1923 को जब भारत में अपने महान एक रत्न, एक क्रांतिकारी, एक कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले विशेषज्ञ वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को खो दिया है। चेन्नई में इनका 28 सितंबर 2023 का निधन हुआ। आप सभी को पता है ही वॉज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में इनका निधन हुआ। 7 अगस्त 1925 को 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एम एस स्वामीनाथन अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहां पे है, तो आंसर होगा चेन्नई में। अगर हम हरित क्रांति की बात ही कर रहे हैं तो चलिए बात कर लेते हैं भारत में कुछ और भी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है उनके फादर को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मन बोरलॉग, तो आप सभी को पता है नॉर्मन बोरलॉग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एट ग्लोबल लेवल। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। एम एस स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। वर्गीस कुरियन, आप सभी को पता है वेल नोन फैक्ट है वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। सफेद क्रांति का जनक किसे कहते हैं, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है वर्गीस कुरियन। सैम पित्रोदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भारत में पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को कहा जाता है। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिएगा, नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एट ग्लोबल लेवल, एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, सैम पित्रोदा को येलो रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। हीरालाल चौधरी फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, ध्यान रखिएगा समुद्री से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन, तो हीरालाल चौधरी को क्या कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। बहुत बढ़िया, दुर्गेश पटेल जी को हम फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं, गुलाबी क्रांति के जनक। तो एक बार फिर ध्यान से समझिएगा, एम एस स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखिएगा एम एस स्वामीनाथन का निधन हुआ 28 सितंबर 2023 को। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया अश्विन दानी, एशियन पेंट्स के को फाउंडर थे। उसके पहले हम लोगों ने पीवी गंगाधरन जी को कवर किया, ये मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर थे। मार्टी आइसारी फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। बढ़ते हम लोग आज के अपने अगले सवाल की तरफ। यहां भी पूछा गया है, सरोज वैद्यनाथ का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सरोज वैद्यनाथ पास अवे रिसेंटली, सी वाज एसोसिएटेड विद व्हिच क्लासिकल डांस। यहां पे आप न्यूज कटिंग में भी देख सकते हैं, दिल्ली बेस्ड भरतनाट्यम आर्टिस्ट सरोज वैद्यनाथ डाइज एट 86 इयर्स ओल्ड। तो ध्यान रखिएगा जो सरोज वैद्यनाथ हैं इनका संबंध भरतनाट्यम से था। बहुत इंपॉर्टेंट, भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है उसके गुरु थे। अच्छा भरतनाट्यम कहां का क्लासिकल डांस है, फटाक से आंसर करें, बहुत ही आसान सवाल है। 21 सितंबर 2023 को सरोज वैद्यनाथ का निधन हुआ है। भरतनाट्यम की ये गुरु थी और साल 2002 में इन्हें पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। टू द पॉइंट याद करना है, कुछ याद नहीं करना, बस ध्यान रखिएगा सरोज वैद्यनाथ का हाल ही निधन हुआ है, ये भरतनाट्यम गुरु थे, भरतनाट्यम क्लासिकल नृत्य से संबंधित थी। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ सबको क्वेश्चन रीड करना है। डेनिस ऑस्टिन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज को क्रिएटर और को डेवलपर ऑफ विच फेमस सॉफ्टवेयर। डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर के सह निर्माता थे। ऑप्शन ए पावर पॉइंट, बी एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, वर्ड प्रोसेसर। यहां पर आप न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं, डेनिस ऑस्टिन सॉफ्टवेयर डेवलपर हु क्रिएटेड पावर पॉइंट पासेस अवे एट 76। तो ध्यान रखिएगा आप सभी को पता है एम एस ऑफिस जो ग्रुप है सॉफ्टवेयर का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, जो एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, पीपीटी तैयार करने के लिए उसको यूज किया जाता है। स्क्रीन में आपके जो दिख रहा है पीपीटी पावर पॉइंट, ये भी सॉफ्टवेयर में ही, उसी सॉफ्टवेयर में तैयार किया गया है। और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के जो को फाउंडर है डेनिस ऑस्टिन, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट के को फाउंडर हैं, को डेवलपर हैं। इनके साथ पावर पॉइंट को डेवलप करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनका नाम है रॉबर्ट गास्किंस। तो ध्यान रखिएगा दो पर्सनालिटी, पावर पॉइंट को 1987 में लॉन्च किया गया था, को डेवलपर एक है डेनिस ऑस्टिन, साथ ही साथ रॉबर्ट गास्किंस। और डेनिस ऑस्टिन का ही हाल ही में 1 सितंबर 2023 को निधन हो गया। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन कवर किया है, सरोज वैद्यनाथन, इनका
इनका संबंध भरतनाट्यम से है। एमएस स्वामीनाथन, याद रखिएगा, आप सभी को पता है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। सैम पित्रोदा को ध्यान रखिएगा, येलो ग्रीन येलो रिवॉल्यूशन के फादर है इंडिया में। हीरालाल चौधरी ब्लू रिवॉल्यूशन, दुर्गेश पटेल पिंक रिवॉल्यूशन। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। यहां से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य नारायण पात्रा पास अवे रिसेंटली, हु वॉज ही। सूर्य नारायण पात्रा का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक, राजनेता, इकोनॉमिस्ट, म्यूजिशियन। यहाँ पे आप न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं। सूर्य नारायण पात्रा ओडिशा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्रा का निधन, सीएम पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि सूर्य नारायण पात्रा ना लेखक थे, ना अर्थशास्त्री संगीतकार, ये एक पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे, साथ ही साथ ओडिशा जो स्टेट असेंबली है उस उड़ीसा विधानसभा है उसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय बीजू जनता दल बीजेडी, बीजू जनता दल के ये बहुत वरिष्ठ नेता थे, हस्ती थे। क्लियर होगी इतनी बातें। सूर्य नारायण पात्रा 2 सितंबर 2023 को इनका निधन हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा है, सी राधा कृष्णन राव पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ही। सी राधा कृष्ण राव का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट और म्यूजिशियन। यहां पे आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं, लेजेंडरी स्टेटिस्टिकल साइंटिस्ट सी आर राव डाइज। यानी एक बात तो क्लियर हो गए, ये स्टेटिस्टिकल साइंटिस्ट थे, यानी सांख्यिकी विद थे, और सांख्यिकी किसका हिस्सा माना जाता है? मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का। तो सी आर राव वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी। कब डेथ हुई है? 22 अगस्त 2023 को अमेरिका में इनका निधन हुआ है। डेट वेट याद रखने की कतई जरूरत नहीं है, बस एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन दिखे सी राधा कृष्ण राव, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ही वॉज इंडियाज ग्रेट मैथमेटिशियन एंड स्टेटिस्टियन। क्लियर होगी इतनी बातें सभी को। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा सवाल कवर किया था? सूर्य नारायण पात्रा। सूर्य नारायण पात्रा बीजू जनता दल के सदस्य थे, एक वरिष्ठ नेता थे, और ओडिशा विधानसभा, ओडिशा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया डेनिस ऑस्टिन। डेनिस ऑस्टिन ने 1987 में रॉबर्ट गास्किंस के साथ पावर पॉइंट को डेवलप किया और 1 सितंबर 2023 को डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग याद करने, फैक्ट को मेमोराइज करने की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बस वीडियो को एक बार 2x मोड पर और लगा कर देखना है, साथ ही साथ जितने फैक्ट हैं मेरे साथ क्लास में लगातार बोलते चलना, इतने में आपकी नैया पार हो जाएगी। फाउंडर ऑफ द फेमस फोटो सॉफ्टवेयर एडोब कंपनी, हु पास अवे रिसेंटली। प्रसिद्ध फोटो सॉफ्टवेयर एडोब कंपनी के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आई होप आप लोगों ने एडोब सॉफ्टवेयर को जरूर यूज किया होगा। जनरली आप जब पीडीएफ को ओपन करते हैं तो जो पीडीएफ व्यूअर का सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है वो एडोब है। इसके अलावा अगर आपने कभी पासपोर्ट जो फोटो है वो खिंचवाने गए होंगे तो जो एडिटर है वो जिस सॉफ्टवेयर में जनरली एडिट करता है वो भी एडोब है। तो एडोब क्या भैया? एक फेमस पीडीएफ व्यूअर सॉफ्टवेयर है, साथ ही साथ एक फेमस फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गई बात? और इसके कंपनी के, एडोब कंपनी के जो संस्थापक थे जॉन वार्नोक, कौन थे? जॉन वार्नोक, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। यहां पे आप न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं। जॉन वार्नोक फाउंडर ऑफ एडोब सिस्टम्स एंड इन्वेंटर ऑफ पीडीएफ डाइज ऑन अगस्त 1982। क्लियर होगी इतनी बातें। तो ध्यान रखिएगा 19 अगस्त 2023 को निधन हो गया है। अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे और एडोब कंपनी के फाउंडर थे। एक बार यहां पे फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। प्रसिद्ध फोटो सॉफ्टवेयर एडोब कंपनी के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? जॉन वार्नोक। लगातार मेरे साथ रिकॉल करते रहे फैक्ट को, ऑटोमेटिकली क्लास के दौरान ही सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या कवर किया था? सी राधा कृष्ण राव, ये महान मैथमेटिशियन थे। उसके पहले सूर्य नारायण पात्रा उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष थे। फिर डेनिस ऑस्टिन ने रॉबर्ट गास्किंस के साथ 1987 में पावर पॉइंट को डेवलप किया। सरोज बैद्यनाथ सी वॉज ग्रेट भरतनाट्यम गुरु, एक भरतनाट्यम प्रसिद्ध जो है गुरु थी, नर्तकी थी। इसके अलावा हम लोगों ने कवर किया यहां पे एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। हीरालाल चौधरी फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन और दुर्गेश पटेल फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, फेमस सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल हु पास अवे ऑन
15th अगस्त 2023 प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिनका 15 अगस्त 2023 को निधन हुआ है। वेरी फेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सुलभ इंटरनेशनल, यहाँ पे आप न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं। सुलभ इंटरनेशनल फाउंडर बिंदेश्वर पाठक पासेस अवे एट एज ऑफ 80 ईयर्स। तो ध्यान रखिएगा, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन ए, जिनका हाल ही में 15 अगस्त 2023 को निधन हुआ है। और इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्टैब्लिशमेंट 1970 में की थी। ठीक होगी इतनी बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे हमसे पूछा गया है, मोहम्मद हबीब हैज पास अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? लेखक, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट या एक फुटबॉलर थे? यहां पे न्यूज कटिंग आप सभी को मेरे साथ रीड करना है। इंडियन फुटबॉल लीजेंड मोहम्मद हबीब हु स्कोर्ड अगेंस्ट पेले साइड्स डाइस एट 74। इसका सही आंसर क्या होगा कि मोहम्मद हबीब ये क्या थे, एक फुटबॉलर थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहां पे इनकी डेथ कब हुई है, 15 अगस्त 2023 को। ही वाज फेमस इंडियन फुटबॉलर। 1965 से लेकर 1975 तक इन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम को लीड किया था। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन देखा, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे, बिंदेश्वर पाठक। लगातार बोलते रहिए, चुपचाप बाबूजी के जैसे माहौल बनाकर नहीं बैठ, लगातार फैक्ट को यहां पे बोलते रहिए। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर कौन थे भैया, आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। वेरी गुड। एडोब कंपनी के फाउंडर कौन है, आंसर होगा जॉन वार्नोक। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे, एडोब कंपनी के फाउंडर कौन है, जॉन वार्नोक। उसके पहले सी राधा कृष्ण राव, ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे। 2 सितंबर 2023 को सी राधा कृष्ण राव का निधन हुआ, सॉरी 22 अगस्त 2023 को। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया सूर्य नारायण पात्रा। सूर्य नारायण पात्रा बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता थे, ओडिशा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया डेनिस ओशिन। तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट गास्किंस के साथ इन्होंने 1987 में पावर पॉइंट को डेवलप किया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, V.S. अरुणाचलम, बहुत इंपॉर्टेंट है। V.S. अरुणाचलम वाज, आप सभी को रीड करना है मेरे साथ, V.S. अरुणाचलम वाज फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हु पास अवे रिसेंटली। V.S. अरुणाचलम किस संस्था के पूर्व महानिदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन ए इसरो, DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है V.S. अरुणाचलम। 16 अगस्त 2023 को इनका निधन हुआ है। ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे DRDO को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के 1982 से लेकर 1992 तक ही डायरेक्टर जनरल थे। और आप सभी को पता होगा DRDO का डायरेक्टर जनरल रक्षा मंत्री का साइंटिफिक एडवाइजर होता है, तो ये रक्षा मंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है V.S. अरुणाचलम किस संस्था के पूर्व महानिदेशक थे जिनका हाल ही में 16 अगस्त 2023 को निधन हुआ है। करेक्ट आंसर इज बी, DRDO। आप सभी को कमेंट में आंसर करना है हु इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO, DRDO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। ठीक है, बहुत ही आसान है, वेल नोन फैक्ट है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन पूछा है, फेमस फोक सिंगर गुमदी विठल राव, जिन्हें गदर नाम से भी जाना जाता था, हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच स्टेट। प्रसिद्ध लोक गायक गुमदी विठल राव गदर का निधन हुआ है, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान रखना है, पहला गुमदी विठल राव को गदर नाम से जाना जाता था, दूसरा ये एक फेमस फोक सिंगर थे, लोक गायक थे, किस राज्य के थे? न्यूज कटिंग देख सकते हैं, रिनाउन तेलंगाना फोक सिंगर गुमदी विठल राव, पॉपुलरली नोन एज गदर पासिस अवे। यानी तीन पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया, गुमदी विठल राव, इन्हें गदर नाम से जाना जाता था, दूसरा ये एक फेमस फोक सिंगर थे, लोक गायक थे, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे, आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। ठीक होगी इतनी बातें। इसके पहले हम लोगों ने क्या कवर किया, V.S. अरुणाचलम किसके पूर्व महानिदेशक थे DRDO, उसके पहले कवर किया मोहम्मद हबीब, इनका हाल ही में निधन हुआ है 15 अगस्त 2023 को, ये क्या थे, ही वाज ग्रेट इंडियन फुटबॉलर, बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, जॉन वार्नोक ये कौन थे भैया, एडोब कंपनी, जॉन वार्नोक जो थे एडोब कंपनी के फाउंडर थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग यहां पे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये है हमारे गुमदी विठल राव, जिन्हें गदर टाइटल से भी एड्रेस किया जाता था। सुरेंद्र सिन्हा पास अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? सुरेंद्र सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक, ऑप्शन बी मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट या पंजाबी सिंगर। यहाँ पे आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं, सुरेंद्र सिन्हा फेमस पंजाबी सिंगर पासिस अवे एट 64। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तारीख है 26 जुलाई 2023 को पंजाब के लुधियाना में इनका निधन हुआ। ही वॉज फेमस पंजाबी सिंगर, तो ध्यान रखना है ये नाम सुरेंद्र सिन्हा, और तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये एक पंजाबी सिंगर थे। तो करेक्ट आंसर इज डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मेरे साथ सभी को क्वेश्चन रीड करना है। यहां पे आपसे पूछा गया है, ब्रायन टेवर हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ब्रायन टेवर, पहले नाम छप जाना चाहिए, ब्रायन टेवर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ फेमस क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री। ब्रायन टेवर का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। यहां पे न्यूज कटिंग देख सकते हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर ब्रायन टेवर डाइस एज्ड 83। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 21 जुलाई 2023 को इनका निधन हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व विकेट कीपर थे। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया है सुरेंद्र सिन्हा, ये पंजाबी सिंगर थे। फिर हम लोगों ने कवर किया गुमदी विठल राव, जिन्हें गदर टाइटल से भी एड्रेस किया जाता था, और ये एक तेलंगाना के फेमस फोक सिंगर थे। वीएस अरुणाचलम डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक थे 1982 से लेकर 1992 तक, और साथ ही साथ ये डिफेंस मिनिस्टर के जो एक्स साइंटिफिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। मोहम्मद हबीब ग्रेट इंडियन फुटबॉलर थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ओमान चांडी, ये नाम दिमाग में बैठाना है, ओमान चांडी पास अवे ऑन 18th of July 2023। ही वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। 18 जुलाई 2023 को ओमान चांडी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यहाँ पे न्यूज कटिंग देखिए भैया, फॉर्मर केरला सीएम ओमान चांडी पासेस अवे एट 79 ईयर्स ऑफ ओल्ड। तो इसका सही आंसर क्या है? ये ओमान चांडी केरला के क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। सही आंसर है सी। कब निधन हुआ? 18 जुलाई 2023 को। ये केरला के दो बार चीफ मिनिस्टर रहे। फर्स्ट इनका टेन्योर था 2004 से लेकर 2006 तक, सेकंड टेन्योर 2011 से लेकर 2016 तक। ओमान चांडी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री? केरला। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया है ब्रायन टेवर, ये कौन थे? विकेट कीपर थे, क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के। उसके पहले सुरेंद्र सिन्हा कौन थे? प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर थे। गुमदी विठल राव, जिन्हें गदर टाइटल से एड्रेस किया जाता था, तेलंगाना के फेमस फोक सिंगर थे। ठीक है, बस आप सारे फैक्ट मेरे साथ बोलते चलिए, फैक्ट्स को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, 7 जुलाई 2023 को निक्की मैक्रिक पेंसन, एक बार फिर मेरे साथ पहले ये पर्सनालिटी का नाम बोल दीजिए, निक्की मैक्रिक पेंसन। ना भाई साहब, अभी भी मजा नहीं आया, अभी भी कुछ लोग माहौल बनाकर बैठे हैं। निक्की मैक्रिक पेंसन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? निक्की मैक्रिक पेंसन पास अवे ऑन 7th of July 2023। सी वॉज रिलेटेड टू पिच स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। यहाँ पे आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं, निक्की मैक्रिक पेंसन बास्केटबॉल स्टार एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट डाइस एट एज 51। तो ध्यान रखिएगा, तारीख आती है 7 जुलाई 2023 को। ये है निक्की मैक्रिक पेंसन, सी वॉज अ ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर, एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल प्लेयर थी, दो बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये नाम आपके सामने आए, निक्की मैक्रिक पेंसन, तुरंत ये फोटो क्लिक होनी चाहिए, बास्केटबॉल से संबंधित थी और अमेरिका की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बास्केटबॉल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने किसे कवर किया? ओमान चांडी। ओमान चांडी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? केरला के, दो टेन्योर के लिए थे, 4 से लेकर 6 तक और 11 से लेकर 2016 तक। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट फेमस पेंटर नंबूथरी डाइज ऑन 7th of July 2023। किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार नंबूथरी का 7 जुलाई 2023 को निधन हुआ है? केरला। यहाँ पे आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं, केरला बेस्ड आर्टिस्ट नंबूथरी
पासिस अवे. इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल की तमिलनाडु. राइट आंसर इज सी, केरला. तो ध्यान रखिएगा, तारीख है 7 जुलाई 2023 को. ही वॉज फेमस जो पेंटर ऑफ केरला कहते हैं, और इन्हें केरला की जो फाइन आर्ट अकेडमी है, केरला की ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं. बस आपको इतना ध्यान रखना है, नंबूथरी ये केरला के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे. इसके पहले हम लोगों ने निक्की मैक्रेपेंसन, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, बास्केटबॉल अमेरिका. उसके पहले ओमान चांडी केरल के मुख्यमंत्री, ब्रायन टेवर ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर, सुरेंद्र सिन्हा पंजाबी सिंगर, गुमदी विठल राव गदर तेलंगाना के फोक सिंगर, वीएस अरुणाचलम डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक, मोहम्मद हबीब ग्रेट इंडियन फुटबॉलर, बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक. ठीक होगी इतनी बातें. चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे पूछा गया है, हरिद्वार दुबे पास अवे ऑन 26 जून 2023, विच फील्ड वॉज ही रिलेटेड टू. 26 जून 2023 को हरिद्वार दुबे का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? लेखक, मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स राजनीति. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बीजेपी राज्यसभा एमपी, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे पासिस अवे. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका संबंध राजनीति से है. 26 जून 2023 को निधन हुआ, बीजेपी के एक लीडर थे, मेंबर थे, आगरा छावनी उत्तर प्रदेश से विधानसभा भी रह चुके थे, बीजेपी से राज्यसभा सांसद है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. जॉन बैनिस्टर गुडनाइट पास अवे रिसेंटली, हु वॉज ही. पहले तो नाम मेरे साथ बोलिएगा, जॉन बैनिस्टर गुड इनफ. एक बार फिर से, जॉन बैनिस्टर गुड इनफ. अरे मजा नहीं आया, अभी भी माहौल जमा हुआ है. जॉन बैनिस्टर गुड इनफ का निधन हाल ही में हुआ है, वह कौन थे? यहाँ पे न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए राइटर लेखक थे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे, साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे. अमेरिकन को इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो आप ये क्लास देख पा रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला पा रहे हैं, ये सब पॉसिबल हो पाया है लिथियम आयन बैटरी के कारण. और उसी लिथियम आयन बैटरी के को इन्वेंटर रहे हैं ये हमारे जॉन बैनिस्टर गुडइनफ साहब. ठीक है, तो ये क्या थे? डी, एक फेमस क्या थे? वैज्ञानिक थे. तो यहां पे इनका निधन 25 जून 2023 को हुआ है. प्रसिद्ध अमेरिकी साइंटिस्ट थे और को इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयनिक बैटरी. तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. पर्सनालिटी का नाम क्या है? जॉन बैनिस्टर गुडइनफ. क्यों कवर कर रहे हैं? 25 जून 2023 को निधन हुआ. किसके इन्वेंटर हैं ये? लिथियम आयन बैटरी के. ठीक है, चलिए. इसके पहले हम लोगों ने किससे कवर किया? हरिद्वार दुबे साहब को, बीजेपी से राज्यसभा उत्तर प्रदेश के सांसद थे. 26 जून 2023 को इनका निधन हुआ. द रोड और नो एंट्री फॉर ओल्ड मैन उपन्यास के लेखक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है. द ऑथर ऑफ नोवेल्स द रोड, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, हु पास अवे रिसेंटली. ऑप्शन ए यहां पे दिया गया, मार्क ट्वेन, जॉन स्टीनवेग, नाथानियल हॉथॉर्न और कॉर्मिक मैकार्थी. यहाँ पे आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं, मेरे साथ सबको न्यूज कवर करना है. शुरू करें, चलिए. कॉर्मिक मैकार्थी, एक बार फिर नाम बोल दीजिए मेरे साथ, कॉर्मिक मैकार्थी, नोवेलिस्ट ऑफ डार्कर अमेरिकास, इज डेड एट 89 ईयर्स ऑफ ओल्ड. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी, कॉर्मिक मैकार्थी. तो ध्यान रखिएगा, एक बड़े फेमस नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे. 13 जून 2023 को इन्होंने इस धरती को अलविदा कहा. इनकी नोवेल है द रोड. द रोड के लिए साल 2007 में इन्हें पुलित्जर प्राइज से पुरस्कृत किया गया था. ध्यान रखिएगा, साहित्य लेखन के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट सम्मान है. ध्यान रखिएगा, पृथ्वीजर पुरस्कार, पृथ्वीजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि पुलित्जर पुरस्कार लेखन के क्षेत्र में. तो ध्यान रखना, एक बार फिर मेरे साथ नाम बोल दीजिएगा, कॉर्मिक मैकार्थी. कौन थे? प्रसिद्ध अमेरिकी नोवेलिस्ट थे, उपन्यास का लेखक थे. इनके उपन्यास बड़ा फेमस है, द रोड के लिए साल 2007 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मान किया गया, जबकि पृथ्वीजर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता था. यहाँ पे मैं लिखी भी दे रहा हूं भैया, पृथ्वीजर पुरस्कार, ये वास्तुकला के, और ये पुलित्जर पुरस्कार है जो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है. एक बार फिर देखिएगा आंसर, द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन उपन्यास के लेखक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आंसर हो जाएगा कॉर्मिक मैकार्थी. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. यहां पे पूछा है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है. सिल्वियो बर्लुस्कोनी वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, हु पास्ड रिसेंटली. यहां पे आप
आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी जापान। यहाँ पे न्यूज कटिंग देखना है सबको, मेरे साथ रीड करना है। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटलीज एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड मीडिया मोगल डाइस एट 86। तो ध्यान रखिएगा, ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन 12 जून 2023 को हुआ है। और इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है आप सभी को पता है, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, चले इसके पहले हम लोगों ने कवर किया कॉर्मेक मैकार्थी, इनका प्रसिद्ध उपन्यास क्या है, द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये कहां के प्रसिद्ध लेखक हैं, अमेरिका के। कब निधन हुआ, 13 जून 2023 को। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया जॉन बेनिस्टर गुडिनफ को, इन्हें क्यों कवर कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी का आविष्कारक है, 25 जून 2023 को इनका निधन हुआ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां भी पूछा गया रिसेंटली गीतांजलि अय्यर हैज पास्ड अवे, हु वाज शी, हाल में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है वह कौन थी, लेखक, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट और दूरदर्शन न्यूज एंकर। यहां पे देख सकते हैं गीतांजलि अय्यर पॉपुलर दूरदर्शन न्यूज एंकर पासेस अवे। आप सभी ने हो सकता है कि ना देखा हो, लेकिन हमारे टाइम में तो हमने खूब देखा है। दूरदर्शन की पहली इंग्लिश न्यूज एंकर थी गीतांजलि अय्यर, जिनका हाल ही में 7 जून 2023 को निधन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही नाम आएगा गीतांजलि अय्यर, तुरंत ये जो दूरदर्शन की न्यूज एंकर की इमेज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। 7 जून 2023 को इनका निधन हुआ है। एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है वह कौन थी, तो दूरदर्शन की पहली महिला इंग्लिश न्यूज एंकर थी। चलिए बढ़ते हैं, 5 जून 2023 को गूफी पेंटल का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। ध्यान रखिएगा, नाम क्या लिखा हुआ है, गूफी पेंटल, लेखक, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट, फिल्म एंड टेलीविजन। मुझे लगता है कि गूफी पेंटल जी की अगर आप एक बार इमेज देख लेंगे, फोटो देख लेंगे, तो और कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए भैया, गूफी पेंटल मामा श्री शकुनी मामा का इन्होंने रोल प्ले किया था बी आर चोपड़ा की ग्रेट शो महाभारत में। और इनका जो मूल नाम है सरबजीत सिंह है, क्या नाम है, सरबजीत सिंह, प्यार से इन्हें गूफी पेंटल कहा जाता है। शकुनी का किरदार इन्होंने बखूबी निभाया है, हाल ही में 5 जून 2023 को इनका निधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिल्म एंड टेलीविजन। न्यूज कटिंग में भी देख सकते हैं, महाभारत, महाभारत मालिक तिल शकुनी मामा उर्फ गूफी पेंटल का क्या हो गया है, निधन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सुलोचना लाटकर हु पास अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। सुलोचना लाटकर का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। यहाँ पे देख सकते हैं सुलोचना लाटकर बॉलीवुड आइकोनिक मदर पासेस अवे एट 94। तो इनका संबंध बॉलीवुड यानी नो डाउट फिल्म एंड टेलीविजन से होगा। आई होप आप लोगों ने इन्हें पुरानी मूवीज में तो देखा ही देखा होगा। 4 जून 2023 को इनका निधन हुआ था और 1999 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। टू द पॉइंट, केवल इतना ध्यान रखना है, सुलोचना लाटकर का हाल ही में निधन हुआ है और एक ही क्षेत्र से संबंधित थी, फिल्म एंड टेलीविजन, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, प्रसिद्ध लेखिका एवं नारीवादी अमा आता एडू का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस देश से है। तो पहला ये नाम दिमाग में बैठाइए भैया, अमा अता एडू, क्या नाम है, अमा अता एडू। न्यूज कटिंग देख सकते हैं, अमा अता एडू घानास, घाना जो देश है अफ्रीकन कंट्री, घानास, फेमस ऑथर एंड फेमिनिस्ट डाइज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमा अता एडू। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं, ये घाना की एक ग्रेट नॉवलिस्ट थी, लेखक थी, ऑथर थी, साथ ही साथ फेमिनिस्ट नारीवादी थी। और इनकी प्रसिद्ध जो रचना है डिलेमा ऑफ घोष एंड एनोवा, आपको याद रखना नहीं है, बस ध्यान रखिएगा अमा अता एडू लेखक थी, नारीवादी थी और इनका संबंध जो है घाना से, घाना से बिलोंग करती थी। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए इसके पहले हम लोगों ने कवर किया है सुलोचना लाटकर जी को, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया है गूफी पेंटल मामा का, शकुनी मामा का रोल निभाया, हाल ही में निधन, गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन की इंग्लिश न्यूज एंकर थी। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टोरी बोबी का हाल ही में 32 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो किस देश की एथलीट थी। तो पहला काम है नाम दिमाग में बैठा लीजिएगा, टोरी बोबी, टोरी बोबी का हाल ही में बहुत ही कम उम्र में 32 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो किस देश की एथलीट थी। न्यूज कटिंग आपको देखना है, 3 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बोबी डाइस एट
32 फ्रॉम चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन। तो इसका सही आंसर है, ये अमेरिका से संबंधित थी और एक एथलीट थी। 31 मई 2023 को इनका क्या हुआ है, निधन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, टोरी बोवी नाम ध्यान रखना है, अमेरिका की एथलीट थी, 23 अप्रैल 2023 को निधन हुआ। उसके पहले हम लोगों ने क्या कवर किया है, अमा अता एडू, ये घाना की लेखिका थी, फेमिनिस्ट थी। सुलोचना लाटकर ध्यान रखिएगा, ये कौन थी, सीवॉल ग्रेट बॉलीवुड एक्ट्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रकाश सिंह बादल, आप सभी को पता होगा प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। न्यूज कटिंग, प्रकाश सिंह बादल 5 टाइम पंजाब सीएम, ये 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, अकाली दल के एक लीडर रहे हैं और इनका हाल ही में 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। टू द पॉइंट ध्यान रखना है, प्रकाश सिंह बादल ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अकाली दल के नेता थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यहां पे पूछा गया है 24 अप्रैल 2023 को तारिक फतेह का निधन हो गया, वह कौन था। आप सभी ने इनको न्यूज चैनलों में देखा होगा, पाकिस्तान की खूब धुलाई क्या करते थे हमारे तारिक फतेह साहब। न्यूज कटिंग देखिएगा, लॉयन ऑफ पंजाब, सन ऑफ हिंदुस्तान, ऑथर तारिक फतेह पासिस एट 73। तो ये बात क्लियर हो गई है, ये क्या थे भैया, एक लेखक थे, ये पाकिस्तान ओरिजिन के थे, जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था, आगे चलकर इन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी। तो पाकिस्तान मुल्क के कनाडाई लेखक थे, कनेडियन राइटर ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन, हाल ही में 24 अप्रैल 2023 को निधन हुआ है तारिक फतेह साहब। इसके पहले क्या कवर किया, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। टोरी बोवी, इनका नाम बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा, चूंकि स्पोर्ट जगत से बिलोंग करती है। टोरी बोवी अमेरिका की एथलीट थी, 23 अप्रैल 2023 को निधन हुआ। आमा एतु एडू, आमा अता एडू, ये घाना की फेमस ऑथर थी, राइटर थी, फेमिनिस्ट थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सलीम दुर्रानी हैज पास अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। लेखक, मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट था, क्रिकेटर, यहां पे आप देख भी सकते हैं न्यूज कटिंग, सबको मेरे साथ न्यूज कटिंग कवर करना है। सलीम दुर्रानी सिक्सर मैन ऑफ इंडिया क्रिकेट, हु आस्क्ड अ टीनेज मी टू ड्रीम बिग। कुल मिलाकर इतनी बात क्लियर हो गई कि सलीम दुर्रानी का जो संबंध था वो किससे है, कि क्रिकेट से। तो सही आंसर हो जाएगा डी, 2 अप्रैल 2023 को हाल ही में इनका निधन हुआ है। क्रिकेट में ये ऑलराउंडर हुआ करते थे सलीम दुर्रानी, इसके पहले तारिक फतेह साहब को हम लोगों ने कवर किया था। चलिए इंटेल के सह संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, द को फाउंडर ऑफ इंटेल हु पास्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है टोरी बोबी, ऑप्शन बी कॉर्मेक मैकार्थी, अभी हम लोगों ने कवर किया है कॉर्मेक मैकार्थी ग्रेट ऑथर थे, जॉन बेनिस्टर गुडइनफ और गार्डन मूर। तो इसका अच्छा, जॉन बेनिस्टर गुडइनफ हम लोगों ने कवर कर लिया है, लिथियम आयन बैटरी को इन्वेंटर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले यहाँ पे न्यूज कटिंग देख लीजिएगा, गार्डन ई मूर इंटेल को फाउंडर बिहाइंड मूरेस लॉ डाइज एट 94 ईयर्स ऑफ एज। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गार्डन मूर। कौन थे, इंटेल के सह संस्थापक। अब आप कहेंगे सर इंटेल क्या है, आप लोगों ने लैपटॉप में देखा होगा i3 लैपटॉप, आप लोगों ने सुना होगा i5 लैपटॉप है। तो जो इंटेल है ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमी कंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो सेमी कंडक्टर चिप है सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है इंटेल, और इसी इंटेल के फाउंडर थे, को फाउंडर थे, आंसर हो जाएगा गार्डन मूर, अमेरिका के एक इंजीनियर थे, साथ साथ एंटरप्रेन्योर थे। तो एक बार फिर मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इंटेल के सह संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ है गार्डन मूर, फिर जॉन बेनिस्टर गुडइनफ कौन थे, लिथियम आयन बैटरी, कॉर्मिक मैकार्थी कौन थे, लेखक थे, और टोरी बोवी हम लोगों ने देखा है 32 इयर्स ऑफ एज में इनका हाल ही में निधन हुआ है, अमेरिका की एक एथलेटिक्स थी। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया है सलीम दुर्रानी जो एक क्रिकेटर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया है, वह कौन थे, पत्रकार, खिलाड़ी, म्यूजिशियन और पॉलिटिशियन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे न्यूज कटिंग लिखा हुआ है, वेद प्रताप वैदिक वरिष्ठ पत्रकार, और ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए थे जब इन्होंने आतंकी हाफिज सईद का इंटरव्यू लिया था। ध्यान रखिएगा वेद प्रताप वैदिक बड़े फेमस सीनियर जर्नलिस्ट थे और ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए थे जब इन्होंने हाफिज सईद का इंटरव्यू लिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, जो वेद प्रताप है वो कौन थे, पत्रकार थे। इसके पहले हम लोगों ने गार्डन मूर के बारे में कवर किया और ये जो विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर जो चिप कंपनी है इंटेल के फाउंडर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सतीश कौशिक
Who passed away recently was related to which field? सतीश कौशिक का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका हाल ही में निधन हुआ है? एक बार फिर से इनकी फोटो ही काफी होगी एक बार दिखाने के लिए। ये देखिए सतीश कौशिक। अब मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में आपको किसी भी तरह से परिचय देने की आवश्यकता है। एक फेमस एक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे और हाल ही में 9 मार्च 2023 को इनका निधन हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा डी, फिल्म एंड टेलीविजन क्षेत्र से इनका संबंध है। 20 फरवरी 2023 को ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? एक बार फिर मैं ऐसा न्यूज़ पढ़ेंगे। ओम प्रकाश कोहली, जैसे आप ओपी कोहली भी कहते हैं, पास अवेयन 20 फरवरी 2023, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? यहां पे न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। सीनियर बीजेपी लीडर, भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता थे ओम प्रकाश कोहली, पासेस अवे और प्रधानमंत्री मोदी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। 20 फरवरी 2023 को ओपी कोहली जी का निधन हुआ है। खास बात यह है कि गुजरात के जो है पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं 2014 से 2016 तक। इसके अलावा 2016 से 23 जनवरी 2018 तक ही मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओपी कोहली जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पॉलिटिक्स यानी राजनीति से है। गुजरात के सांसद 2018 तक, 23 जनवरी 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। उसके पहले हम लोगों ने किसे कवर किया है? सतीश कौशिक जी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 5 फरवरी 2023 को परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में बताने की जरूरत है। न्यूज कटिंग देख सकते हैं। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान एक्स प्रेसिडेंट, डाइज एट 79, 2001 से लेकर 2008 तक के पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है। 5 फरवरी 2023 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? एक्चुअली में ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि जनवरी 2023 में वाणी जयराम जी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, जनवरी 26 जनवरी 2023। और उसके कुछ दिन बाद ही 4 फरवरी 2023 को ये चेन्नई में रहस्यमय तरीके से अपने घर में, अपने हाउस में जो है ये मृत पाई गई। क्या नाम है? वाणी जयराम। बड़ी फेमस जो है ये गायिका रही, आप YouTube में भी इनके जो है गाने सुन सकते हैं। वाणी जयराम जी का हाल ही में निधन हुआ है और ये क्या थी? एक प्रसिद्ध जो है पार्श्व गायिका थी, प्लेबैक सिंगर थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जनवरी 2023 में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, वह कौन थे? बालकृष्ण दोषी पास अविन जनवरी 2023, हु वाज ही? तो यहाँ पे आप न्यूज कटिंग देख सकते हैं। बालकृष्ण दोषी 2018 में इन्हें प्रितजर पुरस्कार, मैंने पहले ही कहा है पुलजर पुरस्कार लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रितजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत के पहले प्रितजर पुरस्कार विजेता थे बालकृष्ण दोषी, जिनका हाल ही में 24 जनवरी 2023 को निधन हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तुकार। ध्यान रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण दोषी वास्तुकार थे, जनवरी 2023 में इनका निधन हुआ है। खास बात यह है कि साल 2018 में इन्हें प्रितजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें प्रितजर पुरस्कार दिया गया। प्रितजर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? आर्किटेक्ट यानी वास्तुकला के क्षेत्र में। 19 जनवरी 2023 को नीलमणि फोफन का निधन हो गया, वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? राजस्थानी, असमिया, संथाली या मैथिली? बहुत इंपॉर्टेंट है नीलमणि फोफन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि साल 2020 का जो 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था और 19 जनवरी 2023 को नीलमणि फोफन जी का निधन हुआ। तो एक बार फिर मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना है। 19 जनवरी 2023 को नीलमणि फोफन का निधन हुआ, वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? आंसर हो जाएगा बी, असमिया भाषा के कवि थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था? 17 जनवरी 2023 को ल्यूसिल रैंडन जी का निधन हुआ है और जब तक ये जीवित थी तो विश्व की सबसे उम्रदराज महिला थी, 118 वर्ष इनकी उम्र थी और ये फ्रांस की सिटीजन थी। तो एक बार फिर मेरे साथ क्वेश्चन देखिएगा। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस देश से था, उनका संबंध? आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस से था। चलिए 15 जनवरी 2023 को प्रिंस मुकर्रम जाय बहादुर का नाम एक बार दिमाग में बैठाइए। प्रिंस मुकर्रम जाय बहादुर का निधन हुआ है, वो किस राज्य के आखिरी निजाम थे? आप सभी को पता है कहां के शासक को निजाम कहा जाता था? हैदराबाद के। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, जनता दल यूनाइटेड जे डे
जेडीयू जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका निधन 12 जनवरी 2023 को हुआ है का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था। ध्यान रखिएगा, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद यादव और इनका जन्म मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के बंदाई गांव में हुआ था। चूंकि मध्य प्रदेश की पर्सनैलिटी थी, मध्य प्रदेश ओरिजिन की, इसलिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक बार फिर मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका निधन हाल ही में 12 जनवरी 2023 को हुआ है, आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम के किस गांव में? बंदाई गांव। 31 दिसंबर 2022 को बेनेडिक्ट 16वें का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो यहां पे न्यूज कटिंग देख सकते हैं, फॉर्मर पोप बिहाइंड बेनेडिक्ट 16वें 16th पासेस अवे। तो ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 2022 को बेनेडिक्ट 16वें का निधन हुआ है। आप सभी को पता होना चाहिए क्रिश्चियनिटी का जो हेड होता है पूरे विश्व में, क्रिश्चियनिटी का जो मुखिया होता है उसे पोप कहते हैं, और पोप का जो क्षेत्र है वो इटली में एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी, इटली के भीतर वहां पे इनका पूरा कार्य क्षेत्र रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पोप थे। 29 दिसंबर 2022 को किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कंट्रीज फेमस फुटबॉलर पेले पास्ड अवे ऑन 29 दिसंबर 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंटीना के एक महान फुटबॉलर थे और इन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को अपने नाम हासिल किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, अर्जेंटीना। पेले फुटबॉलर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फटाक से रिवाइज करते हैं, ये रहा हमारे एक साल के महत्वपूर्ण निधन। फुटबॉलर पेले का संबंध कहां से था? अर्जेंटीना। बेनेडिक्ट 16 में ये कौन थे? पोप थे। उसके पहले शरद यादव को हम लोगों ने कवर किया है, 12 जनवरी 2023 को निधन हुआ है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था नर्मदापुरम के बंदाई गांव में। प्रिंस मुकर्रम जाय बहादुर, इनका हाल ही में 15 जनवरी 2023 को निधन हुआ है, हैदराबाद के निजाम थे। ल्यूसिल रेंडन रेंडन, ये विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का खिताब था इनके नाम पे, 17 जनवरी 2023 को निधन हुआ है, फ्रांस की ये नागरिक थे। नीलमणि फूपन असमिया भाषा के एक महान लेखक थे, कवि थे, और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 2022 का नीलमणि फूपन जी को प्रदान किया गया था। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया बालकृष्ण दोषी, ये भारत के महान वास्तुकार थे, साल 2018 में प्रतिजर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए थे। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया वाणी जयराम, जनवरी 2023 में इन्हें 2023 के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिया गया और 4 फरवरी 2023 को ये रहस्यमय तरीकों से इनकी मौत हो गई। परवेज मुशर्रफ 2001 से 2008 के बीच में ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया ओम प्रकाश कोहली, ये प्रोमिनेंट ही वॉज प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर, एक्स जो गवर्नर ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश थे, 2016 से लेकर 23 जनवरी 2018 तक मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके। सतीश कौशिक आप सभी को पता है, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया वेद प्रताप वैदिक, के पत्रकार थे और ये चर्चा में तब आए थे जब इन्होंने आतंकवादी हाफिज सईद का इंटरव्यू लिया था। गार्डन मूर इंटेल को कंपनी के फाउंडर हैं, गार्डन मूर। सलीम दुरानी एक फेमस इंडियन क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया तारिक फतेह, आप सभी को पता है इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब सन ऑफ हिंदुस्तान कहा गया है, पाकिस्तान मूल के कनाडाई लेखक थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। टोरी बोवी अमेरिका की एक बड़ी फेमस एथलीट थी, 23 अप्रैल 2023 को महज 32 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आमा आता एडू ये घाना की प्रसिद्ध लेखिका थी, 31 मई 2023 को इनका निधन हुआ। सुलोचना लाटकर जो है प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म एक्ट्रेस रही हैं और इन्होंने जनरली मूवीज में जो 80s 90s की मूवी थी उनमें इन्होंने माँ का किरदार बहुत निभाया, हीरो की माँ का किरदार जनरली निभाती थी। बॉलीवुड की मदर भी कही जाती थी, 1999 में पद्मश्री से सम्मानित थी। उसके पहले गूफी पिंटल सरबजीत सिंह इनका मूल नाम था, बी आर चोपड़ा की जो सुपरहिट शो महाभारत में इन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन में पहली न्यूज इंग्लिश न्यूज एंकर थी। उसके बाद हम लोगों ने सिल्वियो बर्लुस्कोनी और ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, 2-3 कार्यकाल के रहे हैं, 94 से 95, 2001 से 2006 और 2008 से 2011 तक। ध्यान रखिएगा नाम एक वफी मेरे साथ बोलना है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया कॉर्मिक मैकार्थी को, इन्हें द रोड जो इनका नोबेल है उसके लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक थे। जॉन बैनिस्टर गुड इनफ, इन्होंने लिथियम आयन बैटरी का कार्य किया। हरिद्वार दुबे उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। नंबूथरी ये केरला के ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष हैं, बड़े फेमस चित्रकार रहे हैं भारत के। निक्की मैक्रे पेंशन 7 जुलाई 2023 को अमेरिका की बास्केटबॉल है, इनका निधन हुआ है।
उसके पहले ओमान चांडी केरल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। ब्रायन टेवर ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर, सुरेंद्र सिंधा पंजाबी सिंगर थे, गुमदी विठल राव जिन्हें गदर टाइटल से एड्रेस किया जाता था तेलंगाना के बड़े प्रसिद्ध लोक गायक फोक सिंगर थे। वीएस अरुणाचलम 1982 से लेकर 92 तक के डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। मोहम्मद हबीब भारतीय फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। बिंदेश्वर पाठक 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। जॉन वार्नोक बड़ी प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है पीडीएफ व्यूअर एज वेल एज जो फोटो सॉफ्टवेयर है एडोब कंपनी के संस्थापक रहे हैं। सी राधा कृष्ण राव ही वॉज ग्रेट स्टेटिस्टियन एंड मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया अमेरिका में 22 अगस्त 2023 को निधन हुआ है। सूर्य नारायण पात्रा बीजू जनता दल जो ओडिशा की जो सरकार की जो पार्टी है वहां के ये बड़े प्रसिद्ध नेता थे। ओडिशा विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है स्पीकर रह चुके। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया है डेनिस ऑस्टिन। डेनिस ऑस्टिन जो है ये पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का उसका को फाउंडर रहे हैं। 1987 में इन्होंने रॉबर्ट गैस्किंस के साथ मिलकर पावर पॉइंट को डेवलप किया। सरोज बैद्यनाथ थे भरतनाट्यम नर्तिका थी भरतनाट्यम गुरु थी। उसके पहले हम लोगों ने कवर किया एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसके अलावा मैंने बताया दुर्गेश पटेल फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन, हीरालाल चौधरी फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, सैम पित्रोदा फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन और नॉर्मन बॉरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एट ग्लोबल लेवल। ये हम लोगों ने कवर किया 28 सितंबर 2023 को एमएस स्वामीनाथन जी का निधन हुआ। उसके पहले अश्विन दानी को हम लोगों ने कवर किया था। एशियन पेंट्स के सह संस्थापक थे। पीवी गंगाधरन जिन्हें सिनेमा जगत में पीवीजी के नाम से जाना जाता था मलयालम फिल्म के एक बड़े प्रसिद्ध प्रोड्यूसर थे डायरेक्टर थे। मार्टी आइसारी ये मार्टी आइसारी फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति रहे। इस तरह हम लोगों ने साल 2022-23 में एक साल के भीतर जितने भी इंपॉर्टेंट निधन थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। जाते जाते एक बार आपसे फिर मैं साझा करता जाऊं एमपीपीएससी 2023 की शानदार टेस्ट सीरीज आकार इसके प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी चल रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ ही साथ हाइब्रिड मोड पर भी क्लास आप सभी को अवेलेबल कराई जा रही है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जनरली हम लोग एक साल के भीतर जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं नियुक्तियां हुई हैं उन्हें कवर करेंगे। उसके बाद चर्चित महिलाओं की जो टॉपिक है वो कवर करेंगे और बहुत जल्दी ही हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को कवर करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें मुस्कुराते रहें। पीडीएफ की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके साझा जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।